संतान प्राप्ति के लिए कौन सा व्रत रखना चाहिए। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का हमारे इस YouTube चैनल जीवन ज्ञान स्टोरी में। प्रिय मित्रों, आज हम फिर से आपके लिए एक और नई वीडियो, नई जानकारी लेकर के आए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप हमारे इस वीडियो के लास्ट तक हमारे इस चैनल पर अवश्य बने रहें। प्रिय मित्रों, आज जो मैं आपको जानकारी लेकर के आया हूँ, यह जानकारी बहुत ही शिक्षाप्रद है। तो ऐसे ही मित्रों, बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं आज के इस कहानी को। मित्रों, हमारे ऋषि महर्षियों ने हजारों साल पहले ही संतान प्राप्ति के कुछ नियम और समय बताए हैं, जिनमें लगभग इस प्रकार के सवाल लोग आज दिन पूछते हैं। संतान प्राप्ति के लिए कौन सा व्रत रखना चाहिए, गर्भवती होने के लिए कौन सी पूजा शक्तिशाली है, संतान सुख कब मिलेगा, संतान के लिए क्या उपाय करना चाहिए। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं संतान प्राप्ति के लिए करें हैं उपाय। सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश का क्रम पृथ्वी पर हमेशा से चलता आ रहा है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके कम से कम एक पुत्र जरूर हो। पुत्र की इच्छा में अनेक दंपत्ति कन्याओं को जन्म देते रहते हैं और पुत्र की चाह में अपने परिवार को बढ़ाते चले जाते हैं। आजकल पोते और पुत्री में कोई अंतर नहीं होता है। अपने घर में श्री कृष्ण भगवान की बाल रूप की फोटो जरूर लगाएं, या फिर नियमित रूप से लड्डू गोपाल को माखन मिश्री की भोग लगाएं। भोग लगाते समय इस मंत्र का जाप जरूर करें, ओम श्री ह्रीम क्लीम गौ देव की सूत गोविंद वसुदेव जपते देही में तनय कृष्ण तमावा शरण गता। इस मंत्र का रोज 21 बार जाप करें और मंत्र के जाप के बाद भगवान से संप्रत भाव से गुड़ी दीर्घ जीवी अच्छे चरित्र वाला और सेहत पुत्र की कामना करें। संतान गोपाल मंत्र के जाप की विधि के पति पत्नी दोनों सुबह स्नान करके पूरी पवित्रता के साथ उपरोक्त मंत्र का जाप करें। जाप के लिए तुलसी की माला का जरूर प्रयोग करें। पूजा घर में या फिर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप मूर्ति या फिर चित्र की सफेद चंदन अक्षत कुल तुलसी पत्र और माखन का भोग लगाकर घी के दीपक अवश्य जलाएं एवं कपूर से आरती करें। उत्तम मन चाहें संतान प्राप्ति के लिए कुछ उपाय, मेरा विश्वास है कि आपको प्रयोग अवश्य लाभ होगा। तो प्रिय मित्रों, यह थी आज की वीडियो एवं ज्ञानवर्धक कहानी। अगर आपको यह सुनकर शिक्षा प्राप्त हुई हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री श्याम। हम मिलते हैं आप लोगों को अगले एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा गुड बाय एंड यू टेक केयर योरसेल्फ।